और गुरुग्राम में पुलिस ने एक फर्जी आईएएस रोशन पांडे को गिरफ्तार किया है, पकड़ा है। खुद को आईएएस बताकर लोगों से ठगी करता था ये शख्स और नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर चुका है। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स ने पैसे कमाने का जो तरीका अपनाया वो वाकई हैरान करने वाला है। पैसे कमाने के लिए युवक ने खुद को आईएएस बताया और फिर लोगों को अपना शिकार बनाया। ये पूरा मामला गुरुग्राम का है, जहां पुलिस ने फर्जी आईएएस को गिरफ्तार किया है, जो लोगों से नौकरी के नाम पर लाखों रुपए ठगता था। शिकायत मिलने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे धर दबोचा। दरअसल खुद को आईएएस अधिकारी बताने वाला रोशन पांडे बिहार का रहने वाला है। लाखों की ठगी करने वाला ये युवक डीआरडीओ में नौकरी दिलवाने के नाम पर करीब 10-12 लोगों को ठग चुका है। जब लोगों को उस पर शक हुआ तो उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की, तो रोशन पांडे को कई फर्जी आई कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने नौकरी दिलवाने के नाम पर अपने मकान मालिक को भी शिकार बनाया। झारता के रहने वाले विकेश ने बताया कि रोशन ने नौकरी दिलवाने के नाम पर उससे 1 लाख रुपए लिए थे और जिस तरीके का आरोपी का रहना सहना था तो लोगों ने उसे सच में आईएएस अधिकारी मान भी लिया। एक फ्रेंड के थ्रू ये मिला था, एक दोस्त के रूप में ही, जो अपने आप को आईएएस बताते थे वो, कि मैं आईएएस हूँ। और स्टार्टिंग में तो उन्होंने 2-3 साल कुछ नहीं करा, 2-3 साल उन्होंने मेरे फैमिली से क्लोज हुए। क्लोज होने के बाद वो नौकरी का झांसा देने लगे कि मैं आपको ये करवा दूंगा, सरकारी नौकरी दिलवा दूंगा और मैं जो हूँ यहाँ पे आईएएस में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ मैं। टोटल सर मेरे जो फ्रेंड्स हैं 14 लोग हैं और जो टोटल जो फ्रॉड हुआ है लाखों रुपये का फ्रॉड है। मुझे उम्मीद यही है कि सर देखो इस मुजरिम के साथ ऐसा किया जाए कि आगे किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा धोखा ना कर सके और मेरे जो पैसे हैं मैं सारे पैसों को अपना रिकवर करवाना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ मेरे पैसे नहीं है, मेरे फैमिली और मेरे दोस्तों के पैसे हैं, जो वो बहुत बड़ी लायबिलिटी है मेरे लिए। फर्जी आईएएस को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन अब पूछताछ में साफ हो पाएगा कि आरोपी की तार कहां कहां तक फैली है और इस अपराध में उसने कितने लोगों को शिकार बनाया है। गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम, खबरें अभी तक।